हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको सिखाएंगे वेलवेट के सूट में नेक में लाइनिंग कैसे लगाते हैं। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। या वो वेलवेट का हो या फिर और भी कोई कपड़े में हो, तो आप लाइनिंग इसी तरीके से लगाएंगे अगर आपका गला ऐसा है, बना हुआ है तो। ठीक है, आप इसको एंड तक जरूर देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लाइनिंग लेनी है। लाइनिंग को हमने नीचे रखना है और रखने के बाद हमने सबसे पहले तीरा जोड़ना है। ठीक है, तीरा हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों साइडों में हमने सिलाइयाँ लगा देनी है और थोड़ा थोड़ा हिस्सा हमने छोड़ देना है। बिल्कुल किनारे तक सिलाई नहीं लगानी है। आप इस वीडियो में देखते रहिए, आप सब समझ जाएंगे कि कैसे मैंने लाइनिंग को नेक के साथ अटैच किया है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने लाइनिंग लगानी है, पूरा इसको नहीं सिलना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई और सिलाई को उतार दिया और मैंने पूरा नहीं सिला है, इसको एंड तक नहीं सिला है। ठीक है, तो दूसरी साइड में भी इसी तरीके से मैंने सिलाई लगानी है और थोड़ा सा हिस्सा मैं छोड़ दूंगी। ठीक है, अगर पूरा आप सिल देंगे तो बाद में फिर आपको खोलना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दें, उसके बाद आप तीरे पे सिलाई लगाएं। तो ये दोनों तीरे मैंने सिल दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, लाइनिंग को आपने सेट कर लेना है। सब जगह से आप सेट कर लें, तो ये लाइनिंग मैंने सेट कर ली है। ठीक है, यहाँ से मैंने पकड़ा, फिर इसकी दूसरी साइड से भी इस तरीके से पकड़ा और ऐसे करके मैंने लाइनिंग सेट कर दी है। अब बीच सेंटर में मैंने रफ सिलाई लगानी है। ठीक है, ये वेलवेट का सूट है, तो इस तरीके से आप इसमें लाइनिंग लगाएंगे। और किसी भी सूट में आप अगर लाइनिंग लगाना चाहते हैं तो इसी तरीके से लगाएंगे और नेक को भी इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फ्रंट साइड में रफ सिलाई लगाई और फिर मैंने इसकी जो साइड है वहाँ पर भी मैंने रफ सिलाई लगानी है। ठीक है, इस तरीके से कपड़े को सेट करते जाएंगे। कोई भी झोल वगैरह है उसको सब आप ठीक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मतलब दूसरी साइड में आप सिलाई लगा दें और इसी तरीके से एक साइड में सिलाई लगा दी है, फिर हमने दूसरी साइड में भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारी जो लाइनिंग है वो अटैच हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, कपड़े को आपने बिल्कुल सेट करना है, जो भी मार्जिन वगैरह है बाहर की तरफ निकालना है। ठीक है, झोल वगैरह कुछ भी है, आपने कपड़े को इस तरीके बाहर की तरफ ऐसे निकालते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो ये देखिए सिलाई मैंने लगा दी है। अब ये देखिए, इस तरीके से मैंने लाइनिंग अटैच कर ली है। अब यहाँ पे नेक में मैंने यहाँ पे सिलाई लगानी है, बिल्कुल किनारे पे नहीं लगानी है। जहाँ पे मैंने थोड़ा सा छोड़ा था ना, सिलाई छोड़ी थी, वहाँ से हमने शुरू करना है और थोड़ी दूरी पे हमने इस तरीके से रफ सिलाई लगानी है। अगर आपकी जो धागा दिख रहा है तो आप रफ लगा लें, अगर बिल्कुल शर्ट के साथ मैच है तो आप यहाँ पे पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। ठीक है, बिल्कुल किनारे पे नहीं लगाई है। अब यहाँ पे हमने आधा इंच के करीब कपड़े को छोड़ते हुए कटिंग कर देनी है। ठीक है, जो लाइनिंग है उसको मैंने इस तरीके से कटिंग कर देनी है। इसका और भी तरीका होता है नेक को बनाने का, लाइनिंग को लगाने का, लेकिन मैं हमेशा इसी तरीके से लगाती हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देने हैं हमने, ताकि हमारा जो कपड़ा है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कट लगा दिए हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो छोटे छोटे कट लगाए हैं, तो ये जो हिस्सा मैंने छोड़ा था ना, ये देखिए, इसीलिए छोड़ा था क्योंकि आपको बाद में नहीं खोलना पड़े। तो यहाँ पे हमने इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करना है और ऊपर से हमने बिल्कुल किनारे पे जहाँ पे हमारी पाइपिंग लगी हुई है वहाँ पे हमने किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो इस तरीके से कपड़े को आप फोल्ड करते जाएंगे, बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें। और इस तरीके से इसीलिए मैंने यहाँ पे कट लगाए हैं, ताकि जो कपड़ा है अच्छे से मूव हो जाए। ठीक है, तो अंदर आसानी से चला जाए। तो इस तरीके से ये सारे कपड़े को हमने इसी तरीके से सिलना है। ठीक है, ये देखिए आसानी से ये अंदर की तरफ हो जाता है, जो मैंने कट लगाए हैं उसका यही मतलब है कि आसानी से ये अंदर की तरफ पलट जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कपड़े को अंदर की तरफ करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई बिल्कुल आप जहाँ पे पाइपिंग लगी है उसकी जड़ में सिलाई लगाएं। ठीक है, पाइपिंग के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए, तभी आपकी फिनिशिंग से ये जो लाइनिंग है नेक में लग पाएगी। ठीक है, इस तरीके से सारे नेक को आपने इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरी सिलाई हो चुकी है और लाइनिंग भी मेरी लग गई है।
ठीक है। ये देखिए बैक साइड से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग से लाइनिंग लगी है, और ये जो धागे वगैरह हैं इनको कट कर दें आप, ठीक है। और जो साइड में आर्म होल है यहाँ पे भी आपने एक रफ सिलाई लगा करके, और ये जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको आप कट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वेलवेट के सूट में जो पाइपिंग लाइनिंग है वो लग जाती है नेक में, ठीक है। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये देखिए बैक साइड की तरफ देखिए कितनी फिनिशिंग से लाइनिंग लगी है। अगर आपने कोई भी सूट में लगानी है तो इसी तरीके से आप लाइनिंग लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।